हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी ब्रेड चीज़ सैंडविच, जिसके लिए मैंने 4 बाइट ब्रेड के स्लाइस लिया है। और इधर मैं धनिया की चटनी ली हूँ, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ली हूँ, थोड़ा चाट मसाला, चीज़। इधर मैंने टमाटो को स्लाइस पीस में कट करके लिया है। इधर खीरा को लिया है। और ये हमारा पोटैटो, जिसको मैंने बॉयल करके लिया है, इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इधर मैंने ऑनियन लिया है। और ये शिमला मिर्च, आप चाहो तो शिमला मिर्च डाल भी स्किप भी कर सकते हो। इधर मैंने नमक लिया है, और एक ऑरिगेनो लिया है, और एक चिली फ्लेक्स। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड चीज़ सैंडविच। ब्रेड चीज़ सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं 4 स्लाइस ब्रेड रखूँगी, और सबसे पहले मैं इसमें बटर लगाऊँगी। चारों में मैं ऐसा करके बटर लगा लूँगी। चारों स्लाइस पे बटर लगा लिया है। अब मैं 2 में ग्रीन चटनी डालूँगी, ग्रीन चटनी लगाऊँगी, और 2 में टमाटो सॉस लगाऊँगी। देखिए देखिए, इधर मैं 2 स्लाइस में टमाटो केचप लगाऊंगी। देखिए, फाइनली हमारा ग्रीन चटनी और टमाटो केचप लग के रेडी है। तो चलिए चलिए, मैं बॉयल किया हुआ आलू को स्लाइस पीस में कट करके लिया था। सबसे पहले मैं 2 पे बॉयल किया हुआ पोटैटो स्लाइस डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ऑनियन, इसी के साथ ऐड करूंगी शिमला मिर्च, अब डालूंगी टमाटो, जिसको मैंने स्लाइस करके लिया था। इसी के साथ ऐड करूंगी खीरा, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी सबसे पहले चाट मसाला। चाट मसाला मैंने डाला है। इसी के साथ अब इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स। अब डालूंगी ओरिगेनो, इसी के साथ अब इसमें ऐड करूंगी चीज़, जिसको मैं ग्रेट करके इस पर डालूंगी। देखिए, चीज़ आप कम या अधिक अपनी मर्जी के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं केचप लगा हुआ ब्रेड को स्लाइस को रखूंगी। देखिए, मैंने दोनों को कवर कर लिया है। अब मैं इसे बनाऊंगी, तवे पे नहीं बनाऊंगी, मेरे पास सैंडविच मेकर है, मैं उसी में डाल के इसे रोस्ट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सैंडविच मेकर के ऊपर रख लिया है। इसके ऊपर भी मैं बटर लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए मैं इसको प्रेस करके ऐसा, आप चाहो तो इसे लॉक भी कर सकते हो, इधर लॉक सिस्टम दिया रहता है। मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकड़ के रखूँगी। तो देखिए, हमारा 2 मिनट हुआ कंप्लीट। अब इसे दूसरे साइड में पलट लूँ, मैं इसे दूसरे साइड ऐसा पलट लूँगी। अब इसमें फिर से मैं ऐड करूँगी बटर, इसे फिर ऐसे 2 मिनट के लिए लॉक करके छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बन के हो गया है रेडी। इसको मैं एक प्लेट, अब इसको और इसे गर्म में ही मैं हाफ हाफ कट कर लूँगी। फाइनली देखिए फ्रेंड्स,
आप चाहो तो इसके ऊपर से भी मोजरेला चीज ऐड कर सकते हो, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ग्रिल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।